हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों फिर से हम आ गए करंट अफेयर्स की सीरीज को कवर कराने के लिए। याद रखिए, सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कुछ दिनों से आप सभी का मैसेज आ रहा है, सर ये सीरीज किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों बता देना चाहूँगा, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, याद रखो करंट अफेयर्स तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल कम क्वेश्चन में हम लोग पूरे सीरीज को कवर कर रहे हैं और बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों याद रखिए, अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन जाए और वो जान पाए कि हम कितने वीडियोज अपलोड करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में बौद्ध मूर्तियों की खोज कहाँ की गई है। याद रखिए, क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कभी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, और खासकर तब जब इन सब से संबंधित कोई चीजों की खोज होती है, तब तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखिए, बौद्ध मूर्ति की खोज अभी की गई है तेलंगाना में। याद रखिएगा दोस्तों, तेलंगाना में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई गौतम बुद्ध की मूर्ति को जो है प्राप्त किया गया। ठीक है, काफी पुरानी मूर्ति है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना याद रखिएगा। दूसरी बात यह आती है दोस्तों कि तेलंगाना का गठन कब किया गया था, तो 2014 में किया गया था। तीसरी बात आता है कि तेलंगाना की राजधानी कहां पर है, तो हैदराबाद में है। यहां के सीएम कौन है आपके, तो याद रखिए के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है। ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। अगला दे रहा है, दुनिया का पहला क्रिप्टो संचालित शहर अभी कुछ दिन पहले आया था, नाम बिटकॉइंस का। ठीक है, और आपको मैंने बिटकॉइंस के ऊपर लेक्चर भी दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो बिटकॉइन के ऊपर लेक्चर हमारा देख लीजिए। कह रहा है कि दुनिया का पहला क्रिप्टो संचालित शहर किस देश में खोला जाएगा। याद रखिए कहाँ पर हो रहा है, तो याद रखिए दोस्तों उस देश का नाम है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया की किस जगह पर दोस्तों, तो मलेशिया में एक जगह है मलक्का। ठीक है, मलक्का याद रखिएगा, मलक्का एक जगह है। ठीक है, मलक्का में यह क्रिप्टो संचालित शहर जो है चल रहा है। ठीक है, वहां पर, और यहां पर क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या होगा, DMI होगा। ठीक है, DMI याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है वर्ष 2000, अच्छा आगे के सालों में बता दो दोस्तों कि आगे आने वाले 10-20-50-100 वर्षों में क्रिप्टो करेंसी का जो है बोलबाला हो जाएगा और यही जो है हमारे मार्केट की असली करेंसी होगी। आगे देखिए, वर्ष 2018 में एशियाई विकास बैंक, जिसको हम ADB बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, करा एशियन डेवलपमेंट बैंक से धन प्राप्त करने में सबसे बड़ा देश ऐसे नहीं लिखाएगा, देश ऐसे होगा। ठीक है, देश कौन सा था या कौन सा बना दोस्तों, ये आपको बताना है। तो याद रखिए, भारत ने सबसे ज़्यादा ऋण लिया है, जिससे लगता है बड़ी खुशी की बात है यार, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, से भारत ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, लोन लेकर भी अच्छा काम किया है। अरे, भारत की स्थिति तब मजबूत होती जब भारत को किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। ठीक है, तो याद रखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भारत जो है पहला देश बना जो सबसे ज़्यादा लोन लिया है। ठीक है, इसकी भरपाई कब होगी इसका तो पता नहीं है। आगे देखिए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों लिए किस रंग में नंबर प्लेट का होना अनिवार्य कर दिया है। तो अभी आपको पता होगा दोस्तों, जो आपकी प्राइवेट गाड़ियां होती हैं, ठीक है, जो पर्सनल होती हैं, तो उनमें व्हाइट कलर का नंबर प्लेट लगा होता है। ठीक है, आपके घर पे अगर कोई गाड़ी होगी तो उसका नंबर प्लेट आप देखते हैं कि व्हाइट होगा। अगर कोई स्कूल बस है, कोई कॉमर्शियल व्हीकल है, या कोई ट्रक है, बस है, ट्रैक्टर है, ठीक है, तो याद रखिए इन सभी पे, अगर वो कॉमर्शियल है तो ठीक है, याद रखिए उनका नंबर प्लेट कैसा होता है, येल्लो कलर का होता है, पीले। टैक्सी वगैरह का भी कितना होता है, कैसा होता है, येल्लो होता है। और यदि आगे आप देखिए कि अगर इलेक्ट्रिक जो बाइक आ रहा है, जो वाहन आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, कोई व्हीलर हो, ठीक है, तो याद रखिए उनका नंबर प्लेट अब कैसा हो जाएगा, तो याद रखिए उसके लिए व्यवस्था किया गया ग्रीन कलर का नंबर प्लेट। ठीक है, ग्रीन कलर, ताकि गाड़ियों को पहचानने में आसानी हो जाए, इसको याद रखिएगा। आगे है, किस देश की संसद ने 1 मई 2019 को पर्यावरण और जलवायु आपातकाल के लिए घोषणा पारित किया। दोस्तों इस तरह की घोषणा पारित करने वाला पहला देश बन चुका है, और ये इमेज आप जो देख रहे हैं यह ग्रेट ब्रिटेन का इमेज है, यूनाइटेड किंगडम का इमेज है। ठीक है, याद रखिए ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी कहां पर है, लंदन में, यहां पे आप लंदन देख रहे होंगे। ठीक है, और ये ऐसा काम करने वाला पहला देश बन गया है। बात आती है दोस्तों कि इसने ऐसा काम किया ही क्यों, तो याद रखिए शून्य अपशिष्ट अर्थव्यवस्था लाने के लिए उद्देश्य से इसने यह काम किया है, और जो है पर्यावरण और जलवायु को ध्यान में रखते हुए आपातकाल की घोषणा किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इधर भी जो है जलवायु में, क्लाइमेट में जो चेंजिंग हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले समय के लिए। आगे कह रहा है, किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है सेवेलियर, ठीक है, अगर इसका पूरा
पहला नाम बताना चाहूँगा तो एक्चुअली मैं मुझे भी नहीं याद है क्योंकि मैं गूगल नहीं हूँ, ठीक है। और वैसे भी कोई भी बच्चा इसको याद करने बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, सेवेलियर के आगे बहुत लंबा चौड़ा शब्द है, ठीक है। तो आप यही याद रखो, सेवेलियर, ठीक है। हाँ, आपसे भी पूछ सकता है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है, तो याद रखिएगा सेवेलियर नाम है। और अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों कि ज़्यादातर देश जो हैं, जैसे रूस को ही उठा लो, ठीक है, और भी कई देश हैं, तो वो जो अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोदी जी को नहीं मिला है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है दोस्तों। ये इमेज जो देख रहे हैं, ये इमेज है किरण कुमार जी का, ठीक है। यस, किरण कुमार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको मिला गया, दिया गया है। और ये कौन थे, तो दोस्तों ये इसरो के, इसरो तो जान ही रहे होंगे, ठीक है, इसरो हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और 1969 में इसको इसकी स्थापना किया गया था। तो कह रहा है इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है A.S. किरण कुमार, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनको जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है सेवेलियर, उससे सम्मानित किया गया। अब दोस्तों अगर इसरो की बात आएगी तो एक मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दे रहा हूँ, इसरो अभी एक राडार इमेजिंग सेटेलाइट लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है रीसेट, ठीक है, राडार इमेजिंग, आर माने राडार, आई माने इमेजिंग, ठीक है, सेट माने सेटेलाइट, तो राडार इमेजिंग सेटेलाइट यानी रीसेट लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है रीसेट 2BR1, ठीक है, 2BR1 याद रखेगा। और इसको किस PSLV से जो है भेजा जाएगा, किस वाहन से भेजा जाएगा, तो PSLV C46 से भेजा जाएगा, ठीक है, ये याद रखेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी को बदलने का फैसला किया है, ठीक है। अभी हाल ही में दोस्तों आपने देखा कि अफ्रीका का भी एक देश ने अपनी राजधानी को बदला है, फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा कि किसने अपनी राजधानी को बदलने का जो है जिक्र किया था। और यहाँ पर फिर से देखिए एक बार, फिर से एक अलग देश है जो अपनी राजधानी को बदलने के लिए कह रहा है और उसका नाम है इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। हालांकि अभी तक इंडोनेशिया ने ये नहीं बताया कि उसकी अगली राजधानी होगी कौन, लेकिन इसने बताया कि जरूर हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी तक में इसकी राजधानी थी जकार्ता। अब बात आती है कि इसको अपनी राजधानी बदलने की ज़रूरत क्या पड़ गई, तो याद रखिए जकार्ता क्योंकि समुद्री तट पर एकदम स्थिर है और यहाँ पर बाढ़ और ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है जिससे वहाँ पर काम करने में बड़ी दिक्कत होती, परेशानी होती, इस वजह से इंडोनेशिया ने फैसला किया है कि अब मुझे अपनी राजधानी को चेंज करना है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखें, हाल ही में किस देश ने सोवरेन इंटरनेट कानून लाने का फैसला किया, सोवरेन इंटरनेट लॉ, ठीक है, ये लॉ लाने का किसने फैसला किया, तो रूस ने फैसला किया, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, उन्होंने फैसला किया कि हम अपने यहाँ सोवरेन इंटरनेट कानून ला रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों ये कानून इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आपको जानने के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से रूस क्या करेगा कि ग्लोबल इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसको कट कर देगा जब वो चाहेगा तो, ठीक है, ग्लोबल इंटरनेट के कनेक्शन को क्या कर देगा, कट कर देगा, ताकि सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो देश से बाहर ना जा पाए, मतलब, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी सारा वहाँ पर जो है वो भी किया गया था, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी हड़ताल और इस तरह की चीज़ें हुई थी, ठीक है, इसका विरोध भी किया गया था। तो याद रखिए सोवरेन इंटरनेट कानून लाने वाला रूस जो है विश्व का पहला देश बन गया है। आगे 2018-19 में भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला शीर्ष देश कौन सा बना। देखिए आपके एग्जाम इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल वगैरह क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मल बनते हैं, अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। 2018-19 में भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला सबसे शीर्ष कौन सा देश रहा है, तो याद रखिए, वैसे तो आप अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा सऊदी अरेबिया, बट याद रखिए गलत है, ठीक है। इसके पिछले साल में भी इराक से हमने सबसे ज़्यादा तेल की परचेजिंग किया था और इस साल भी जो है तेल की परचेजिंग सबसे ज्यादा इराक से ही हुआ है, ठीक है। इराक की राजधानी कहां पर है? बगदाद है। और यहां पर मुद्रा कौन सी चलती है? दिनार मुद्रा चलती है, ठीक है, तो याद रखिएगा इराक, ईरान मत करेगा, ठीक है। आगे, हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा, आपके लिए ना हम लोग एक चीज तैयार किए हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि 1 जनवरी से लेकर के अभी हम लोग 30 अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर्स थे, पिछले 4 महीने के करंट अफेयर, क्योंकि अभी आपका जैसे ही चुनाव समाप्त होगा उसके बाद आपकी जो भी एग्जाम होगा उसमें करंट अफेयर्स का खूब क्वेश्चन आएंगे, तो 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक के क्वेश्चन आंसर जो है कलेक्ट किए गए हैं 2 फॉर्मेट में। एक तो इसका क्लास नोट्स कवर किया गया है, दूसरा उस क्लास नोट्स के अलावा MCQ भी बनाए गए हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, मतलब आप क्लास नोट्स को भी पढ़ो और पढ़ने के बाद MCQ को देखो और वहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से सही चूज करो, ताकि एकदम मजबूत हो जाओ आप, ठीक है, कभी भी करंट अफेयर्स के कोई क्वेश्चन ना गलत हो पाए, इसके लिए काम किया गया है। और इस चीज़ को दोस्तों हम लोग ला चुके हैं, बन के मटेरियल तैयार हो चुका है और ये हमारी वेबसाइट पर अगले 1 से 2 दिनों में अवेलेबल हो जाएगा, जिसका नाम है study91.org। तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करिएगा, वहाँ से जा करके आप करंट अफेयर्स के नोट्स को जो है ले सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स में आपकी मजबूती बनी रहे, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिलहाल हम लोग हर तरीके से मैनेज कर रहे हैं ताकि आपका हर विषय पर जो पकड़ हो वो बहुत अच्छा हो जाए, तो अगर ये चीज़ आप लेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा, ठीक है।
और आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए देखते हैं, कह रहा हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो याद रखिए आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो टेस्ट रैंकिंग है, ध्यान दीजिएगा टेस्ट रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, वनडे की बात नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट रैंकिंग में भारत को पहला स्थान मिला है। ठीक है, भारत को नंबर वन पर स्थान मिला है, नंबर दो पर आपका न्यूजीलैंड है। और अगर मैं ये बात कर दूँ वनडे की बात कर दूँ दोस्तों, वनडे मैच की बात कर दूँ, तो उसमें इंग्लैंड को जो है पहला स्थान मिला है और दूसरे नंबर पर भारत है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टेस्ट में भारत पहले नंबर पे है जबकि वनडे में भारत क्या है, दूसरे नंबर पे है। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1909 में स्थापित किया गया था, दुबई में इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इसके चेयरमैन कौन है, तो शशांक मनोहर इसके चेयरमैन है। सीईओ इसके कौन है, तो दोस्तों आप कहेंगे कि मनु साहनी, और ये हो जाएगा आपका गलत उत्तर। ठीक है, मनु साहनी अभी बने नहीं है, ठीक है, मनु साहनी को 2019 में जुलाई से अपॉइंट किया जाएगा, ये उस पद को संभालेंगे। लेकिन अभी मई चल रहा है, मई जून, अभी 2 महीने तक और कौन बना रहेगा, डेव रिचर्डसन इस समय है सीईओ। तो उनको याद रखेगा, मई से आपके मई चल रही, मई जून तक ये रहेंगे, जुलाई से आपके नए सीईओ कौन हो जाएंगे, मनु साहनी, इस चीज़ को याद रखेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये हमारे सीरीज समाप्त होता है 10 क्वेश्चन का। अगले दिन हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन लेके आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, केवल उन्हीं क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, केवल वही करंट अफेयर्स पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए सीरीज यहीं पर समाप्त होती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान देंगे, आप हमारे प्ले लिस्ट में आइए, जो भी विषय आपको पढ़ना वो विषय आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।